व्हाट्स अप फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है अथर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू व्लॉग, और इस जगह का नाम है पिपरी चिंचवड़ विज्ञान केंद्र, मतलब एक साइंस। और स्टार्टिंग से पहले कुछ बता दूं, एक देख रहे हो, और ये नकली नहीं, ये रियल फाइटर जेट है, एकदम रियल। और ये है पूरा साइंस पार्क, तो अभी हम इसको पूरा डिस्कवर करने वाले हैं। तो वैसे स्टार्टिंग में ही मुझे ये एक सामने दुकान है, इसका नाम है द साइंस शॉप, और ये आई थिंक सो इसके सारे इंस्ट्रक्शंस जो भी होंगे। और इधर हैप्पी दिवाली का बोर्ड लगा के रखा। तो अभी हम ये साइंस आ चुके हैं, देख लो काफी मस्त है। इधर पूरा एक व्यू दे दूंगा। तो अब आप ये देखना, इसमें क्या करना है हमको, ये इसको इस तरफ घुमाना है, तो ये जो बॉल है ना ये ऐसे ऊपर जाएगी, ये देखो ये बॉल ऊपर जाएगी, ऊपर गई और पूरा टॉप तक। और अब मैं इसको छोड़ दूँ, देखो नीचे आ रही है बॉल ये। अब इसका जो मीनिंग है वो लिखा है ओवर हियर, तो आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लेना, मैं एक एकदम स्टेबल रख देता हूँ। और अब हम ये आ चुके हैं एक फोकॉल्ड पेंडोलम में। तो ये एक बड़ा सा बॉल है, ये बहुत ही ज़्यादा भारी है और ये ऊपर से अटैच्ड है, मतलब ये ज़्यादा भारी है इसलिए इधर उधर मूव कर रहे हैं। ये नॉर्थ और साउथ पोल पे वर्क करता है, और जैसे कि अभी इस डायरेक्शन में चल रहा है, इस ऐसे चल रहा है, तो थोड़ी देर मतलब काफ़ी आवाज़ के बाद वो ऐसा ऐसा या ऐसा चलने लगेगा। वो लिखा भी मैं बता देता हूँ, आप देख सकते हैं इधर, वीडियो रॉक करके देख लेना। और इस तरफ में 3D शो और तारा मंडल है, क्योंकि वहाँ कैमरा अलाउड नहीं था, इसमें ले जा नहीं पाया, मतलब मैं वहाँ विजिट तो कर चुका हूँ। और अब मैं आपको आगे का बताता हूँ। तो सबसे पहले हमको मिलता है ये एक DNA स्ट्रक्चर है, ये DNA का स्ट्रक्चर है, DNA का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, और इसका ये पूरा DNA स्ट्रक्चर मॉडल। हाँ, यहाँ भी देख लो, वीडियो पॉज करके देख लेना आप सब लोग, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक वेट नहीं कर पाऊँगा, आप ऐसे वीडियो पॉज करके देख लेना। और ये एक कुछ है, ये एक बॉल के मतलब बॉल के प्रेशर से ऐसे काम करता है। जैसे ये मैंने एक बॉल लिया और इसको मैं दूर से, ये आप देख रहे हो, ये ऐसे मूव कर रहे हैं। और आप इसका वीडियो पॉज करके पूरा पढ़ लेना। तो अभी हम फटाफट करेंगे सब, अभी हम जाएंगे ये ऑटोमोबाइल के द्वार में। और ये देख लो शुरुआत में काफ़ी मस्त है। तो ये देखो ये क्या है, व्हाट इज एन ऑटोमोबाइल, ये सारे ऑटोमोबाइल्स हैं, और मतलब ये जो व्हील्स का इन्वेंशन है कुछ इस तरह से हुआ था कि मतलब पहले ऐसे लकड़ी खींचते थे, फिर ऐसे लकड़ी के टायर बना के उन पर रखे, फिर ऐसे खींचते थे, फिर सेम ऐसी प्रोसेस है, फिर आखिरी में उनने डोंकी यूज़ करा इसको पुल करने के लिए। ये व्हील का इन्वेंशन कुछ ऐसा हुआ था। तो ये एक स्टीम पावर है, जिसमें मतलब जैसे ही हम ये इधर आग लगाते तो ये पॉट है, तो इसमें ये जो ये कैसा है, और ये जो ये वाइट जो कॉटन है ये स्टीम है, और सेम इधर है, जैसे ही हम इसको इधर जलाते हैं तो इसका ये ऊपर उठता है, ये ऐसा। और ये इससे मतलब स्टीम पावर, ये एक ऐसा मशीन है जिसमें हम स्टीम पावर का यूज़ करके ऑयल बनाते हैं, जैसे कि ये ऐसे काम कर रहा है यहाँ,
फिर ये पूरा ऐसा ऑयल कुशिंग करता है और ये ऐसे ऊपर आते रहते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। और ये था ये फर्स्ट स्टीम इंजन दुनिया में सबसे पहले आया था ये, और ये इसका मॉडल देख लो, ये कुछ रियल में ऐसा है। ये एक स्टीम इंजन है, फर्स्ट स्टीम इंजन, मतलब यहाँ से एक स्टीम निकलता है और ये फिर चलती है। और ये पूरा कार का इनोवेशन, मतलब ये कैसे कार बने थे, पहले तो ये साइकिल से शुरुआत हुई और अब देखो इधर 2012 में पूरा मर्सिडीज खड़ा करके रखा हुआ है इधर। और ये भी देख लो, ये फर्स्ट इन्वेंटेड है, जैसे फर्स्ट कार, फर्स्ट मोटरसाइकिल, ये फर्स्ट मोटरसाइकिल है, फर्स्ट कार है, साइकिल टाइप ही है। और जैसे ही हम इधर आते हैं, ये कौन सा इनसाइड ऑफ एन ऑटोमोबाइल, ठीक है, तो यहाँ बहुत टाइप्स के इंजन हैं। जैसे ये क्या है, सिंगल सिलेंडर इंजन ऑफ अ मोटरसाइकिल, सिंगल सिलेंडर पे ये इंजन है मोटरसाइकिल का। और ये कौन सा है, टू सिलेंडर इंजन ऑफ नैनो, नैनो गाड़ी शायद आपने देखी होगी, तो ये उसका इंजन है, कुछ इस प्रकार से काम करता है नैनो का इंजन। और ये नेक्स्ट है सिंगल सिलेंडर इंजन ऑफ एन ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा जैसी होती है ना, ये ऑटो रिक्शा का इंजन है। और फिर नेक्स्ट फोर सिलेंडर इंजन ऑफ टाटा 407, ये एक टाटा गाड़ी का इंजन है। वैसे इसका बटन ख़राब है इसलिए काम नहीं कर रहा है, लेकिन मैं आपको पूरा फिर भी बता देता हूँ। और ये नेक्स्ट इंजन किसका है, सिक्स सिलेंडर का नविस्तर इंजन है, महिंद्रा कंपनी की कोई सी गाड़ी थी, ये महिंद्रा इधर लिखा है, उसका है ये इंजन। ये भी काम नहीं करता, इसका भी बटन ख़राब है। और नेक्स्ट है ये, दिस इज़ अ गियर बॉक्स ऑफ टाटा इंडिका कार, टाटा की एक इंडिका कार ही उसका गियर बॉक्स का इंजन है। वैसे ये भी काम नहीं करता, लेकिन जब ये बटन दबाते तो ये ऊपर लाइट चालू हो जाता है, पता नहीं क्यों। और ये है एक टायर का स्ट्रक्चर, कुछ ऐसे ऐसे टायर होते हैं, ये ट्यूब वाला टायर, बहुत तो अंदर से देख लो और ऐसे टायर से काम, ये ट्यूबलेस टायर है, ट्यूबलेस। और ऐसे ये भी काफ़ी टायर्स है इधर सेम से। और ये फ्रेंड्स, ये एक गियर बॉक्स है, जैसे कि ये ऐसा ही बटन कुछ काम नहीं करता, जैसे कि मैंने अभी क्लच दबाया, ठीक है, तो ये अभी न्यूट्रल है गियर, अब मैंने इसको फर्स्ट में डाला, ठीक है, हाँ एक सेकेंड में बताता हूँ। अब मैंने डाले फर्स्ट गियर में, तो आपने इधर डिफरेंस देखा, ये इधर ऐसे आगे आ गया। अब मैंने डाला इसका सेकेंड गियर, तो ये फिर ऐसा हो गया, और सेम ऐसे सारे गियर के साथ। हार्ट की बीट सुन सकते हैं, लेकिन पता नहीं अभी काम नहीं कर रही, अजीब अजीब सारा।
हाँ तो फ्रेंड्स, ये एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। ये जैसे नेटवर्क स्पीच होता है ना, जैसे अभी अभी मैंने ये ऐसा करा, तो ये जो ये देखो उधर राइट लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये जो एक सिंपल सी लाइन जा रही है ना ये बीच में से, उसको उसको बोलते हैं रे। अब जैसे जैसे मैं इसको टर्न करूँगा तो ऐसे इधर उधर अपना शेप चेंज कर रहा है, देख रहे हो? हाँ, तो मतलब वो रिफ्लेक्ट हो रहा है इधर उधर। जैसे आप इधर भी देख सकते हो, इधर भी देख सकते हो जैसे अभी मैंने इसको सीधा रखा, ठीक है, तो ये मतलब 0 degree है। अब मैंने थोड़ा सा टर्न करा तो ये हो गया 20 degree। अब मैंने और रोटेट करा, ये हो गया 42, 59, 90, 60। जो है जैसे कि मैंने इसको चालू करा तो ये ऐसे रोटेट करे कि जो मून है ना ये ऐसे चलते रहते हैं, जैसे अर्थ रोटेट करते हैं तो मून ऐसे भी रोटेट होते रहता है। इसका कंप्लीट हो गया 27.5 days में और ये ऐसे चलता है, इसका मॉडल है ये। और हाउस सीजन ऑकर्स का ये एक मॉडल है, हाउस सीजन ऑकर्स, और मैंने ये स्विच ऑन करा, ठीक है। तो ये जो नीचे बताओ सर, तो ये जो है ना, जैसे आपको ये अर्थ में ना तीन रबर दिख रहे होंगे, और ये जो ये जो रेड कलर की तीन लाइन दिख रहे हैं ना रबर, ये जो जो टेलीस्कोप टाइप बना हुआ है इस, ये मत वो सन है, ठीक है। तो जिस लाइन पे वो है तो मतलब उस जगह पे समर है, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएगा तो नीचे में विंटर आ जाएगा, ऐसा है हाउस सीजन ऑकर्स का मतलब ये। तो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पूरा डिस्कवर कर चुके हैं, तो अभी हम जाएंगे ऊपर, ऊपर भी देखते हैं ऊपर वाले फ्लोर में क्या क्या। तो देरी के बाद के चलो, और ये कनेलो कार जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, तो अब हम चलते हैं ऊपर। चलो चलो चलो, ये ऐसे इधर ड्राइंग्स, जैसे ये विंड मिल है, ये लाइटनिंग है, ये ब्लास्ट है कोई सा, और ये ऐसे इंडस्ट्री ये सब बना रखा है इधर। तो अभी हम जाएंगे ये एनर्जी वाले में, एनर्जी में देखते हैं क्या क्या है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये है द प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जैसे ही ये अभी सन है, ये सन है, तो इसका जो ये पूरा ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, ये पूरे तरफ फैल रहा है, समझ लो हमारा अर्थ है, तो ये जो लाइट है ये पूरा नीचे 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 आया जा रहा है, तो इससे हमारा पूरा अर्थ ब्राइट हो जाता है। और ये है वर्ल्ड सोलर मैप, जा ये देख सकते हो आप इधर, ये ऐसा, हाँ तो आप इधर देख सकते हो। तो ये कब, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से ये बॉल स्टार्ट हुए हैं, अब ये ऐसे ऊपर जा रहे हैं, तो ऐसे ऊपर से एकदम नीचे उतरेंगे, ये ऐसे ऊपर चढ़ रहे हैं अभी ये स्प्रिंग की मदद से, और अभी देखो ये बॉल सारे नीचे आए, और ये ऐसे ये ऐसे देखो ये वहाँ पहुँच रहा है, बॉल फिर एक ही चल रहा, एक ये चल रहा है, ये एक पूरा गोल गोल घूम रहा है, इधर जा रहा है, तो एक समझ रही पूरा एक रोलर कोस्टर टाइप है। हाँ वो नहीं, वो तो पापा, ये जैसे कि अभी ये बॉल उधर गई थी वहाँ से उतरी, और ये है साउंड एनर्जी जैसे कि आप देख सकते हो, ये बटन्स हैं इधर कुछ, ये साउंड एनर्जी है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, देख लो आप, ये एक न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोसेस है जैसे कि आप देख सकते हैं इधर,
जैसे कि आप देख सकते हैं मैं पूरा 360 दे रहा हूँ। और ये है हाइडल एनर्जी, ये इधर इसका ही पूरा मॉडल बना रखा हुआ है। ये इधर डैम है, एक पूरा बना रखा है एकदम मस्त। हेलो हेलो, देखो आप देख रहे हैं नीचे लाइट जल रहा है, देखो इधर जैसे मैंने बोला हेलो। This side. Rotate fast. देखो अभी मैं इसको fast. देखो वहाँ light चल रही रोटेट करो व्हील को। करेक्ट बना स्लोली। गुड प्रेस। अगर इसको दबाए कुछ अगर हिल रहा है कीप प्रेसिंग, इसको दबा के देखते हैं कुछ तो करेगा। Yeah.